आज सोमल तेलंगाने की तश्कील जदीद के बाद तेलंगाने के गोशे गोशे चप्पे चप्पे में 10वीं सालगिरह की तकरीब बिलाज मज़हब मिल्लत नस्ल रंग कौमियत मनाई जा रही है। इस पेश नज़र तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने भी एक लायमल तरतीब दिया है जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के 32 अजला में भी कांग्रेसी कारकुन कांग्रेसी कायदीन जोश खरोश के साथ आज यौम तासीस तेलंगाना मना रहे हैं। इस मौके पर मैं यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की दुर्गुनी फिरासत ज़हानत और तदब्बुर को सलाम करता हूँ कि उन्होंने 2014 ईस्वी से पहले बाकायदा ऐलान किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही तेलंगाना के आवाम को अलग-अलग तेलंगाना देगी। इस पेश नज़र श्रीमती सोनिया गांधी नौजवानों की कुर्बानियों को पेश नज़र रखते हुए बाकायदा पार्लियामेंट में बिल पास किया और तेलंगाना आवाम के देरीना जज्बात एहसास की तर्जमानी करते तेलंगाना का ऐलान किया, जबकि मौजूदा टीआरएस के सरबराह केसीआर ने श्रीमती सोनिया गांधी से वादा किया था कि आप अलहदा तेलंगाना का ऐलान करेंगी तो मैं आपके पैरों को दूध से धुलाकर पीऊँगा और पहला दलित चीफ मिनिस्टर होगा और मुसलमानों को 14% तहफ़ुज़ात दिए जाएंगे। लेकिन केसीआर के वादे से मुनरिफ हो गए और केसीआर का वादा हनूस रोज़े अव्वलस्त है, क्योंकि केसीआर जब से 2014 से सूबे तेलंगाना का इख्तदार संभाले हैं सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और तयखुनात पर ही आवाम से वादे कर रहे हैं। तेलंगाना के मुसलमान को वादा किया था अप्रैल